हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम हमने देखा था यूनिट डिजिट थ्योरम, हम देख चुके एक सेशन में एलसीएम एचसीएफ देख चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम देख चुके हैं, कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अभी आज के सेशन में जो हम एक नया फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, उस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोज। सो नंबर ऑफ जीरोज, इस टॉपिक से आपको शायद हिंट मिल गई होगी कि क्वेश्चन पूछने क्या वाला है। क्वेश्चन आपको बड़ा सा एक्सप्रेशन देगा, एक बड़ा सा इक्वेशन देगा, कुछ भी देगा और पूछेगा बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछने वाला है। अब देखो, नंबर ऑफ जीरोस अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले तो जीरोस के जो नंबर है वो काउंट कैसे करना है, जो लास्ट में आने वाले हैं जीरोस आपको बस वो काउंट करना है, जो लास्ट में जीरोज है बस वो काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 1350, इसमें मुझे बताओ नंबर ऑफ जीरोज आप क्या बोलोगे, 3। मतलब जो लास्ट में जीरोज है वो आप बोलोगे 10500, इसमें अब मुझे बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। अगर आप में से कोई सोच रहा होगा 3 है तो गलत, क्योंकि मैं वापिस एक बार अपना सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोज वो होते हैं, वो नंबर ऑफ जीरोज हमें काउंट करना है जो सबसे एंड में आते हैं। 105 एक नंबर हो गया, उसके बाद जो लास्ट में जीरोज है मतलब उनके बीच में अब कोई भी दूसरा डिजिट नहीं है, वो नंबर ऑफ जीरोज लाइन से है। तो ऐसे कितने हैं, 1 और 2। सपोज अगर ऐसा आ रहा है 10320, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 0। लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितना आया, 1। तो बस ये 1032 क्या है, एक नंबर है। लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई डिजिट इंटीजर उनके बीच में नहीं है, ऐसा कौन सा जीरो है, ऐसे कितने जीरो है, 1 ही। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 3 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 है। अगर कोई डिजिट्स के बीच में जीरो आ जाता है वो आप कभी काउंट नहीं करोगे, ठीक है। सो बेसिकली नंबर ऑफ जीरो पहले होता ये है, ये आपको समझा। नाउ अब आते हैं एक्चुअल मेथड पे, सर निकालना कैसे नंबर ऑफ जीरो वो बताओ। चलो देखते हैं, 25 × 16 × 65 × 75 × 32 × 28 × 49 × 625 × 6 × 12 × 45। देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है और इसमें आपको बोला है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस मतलब होते क्या आपको समझ गया है, इन सब का एक कोई तो वैल्यू बनेगा और उस वैल्यू के लास्ट में जितने जीरो है जिनके बीच में कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, लाइन से जो जीरोस है उनका नंबर यानी आंसर। बट मुझे बताओ अगेन, जैसे हर मेथड में हम देख रहे थे दो मेथड होती है, दो अप्रोच होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम कभी यूज नहीं करेंगे और एक स्मार्ट अप्रोच। तो यहां पर भी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, इन सबको एक्चुअल मल्टीप्लाई करो, कर दो एक्चुअल 25 × 16 × 65 × 75 × 32 × जितने सारे नंबर जो कि फिजिबल नहीं है टाइम वाइज और मिस्टेक के भी चांसेस है अगर इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है तो। क्लियर है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर आपको इतने सारे नंबर की करना है तो टाइम वाइज फिजिबल नहीं है, कैलकुलेशन में अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो गया तो सब गड़बड़, मतलब एक्यूरेसी वाइज भी फिजिबल नहीं है। तो सर हमें कोई स्मार्ट मेथड बताओ, ट्रेडिशनल अप्रोच से तो जाना ही नहीं है। तो स्मार्ट मेथड क्या है, स्मार्ट मेथड अब देखो क्या है, सबसे पहले तो वही चीज जो आपने सीखा है, जब भी कंपोजिट नंबर दिखा उसको पहले फैक्टराइज करो। अगर इन सारे नंबर को मुझे फैक्टराइज करना है तो क्या उनके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, जैसे 25 5 स्क्वायर, 16 क्या होता है 2 raised to 4, 65 क्या होता है 13 × 5, 75 क्या होता है 75 होता है 25 × 3, और 25 मतलब ही होता है 5 स्क्वायर, 32 होता है 2 raised to 5, 28 होता है 14 × 2, उसमें भी, या फिर आप बोल सकते हो 7 × 4, तो 7 ठीक है, 4 भी क्या है कंपोजिट नंबर तो उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये 4 होता है। 49 क्या होता है 7 स्क्वायर, 625 5 raised to 4, 6 2 × 3, 12 3 × 2 स्क्वायर एंड 45 हो जाएगा आपका 3 square into 5, क्योंकि 45 मतलब क्या 9 × 5, 9 यानी 3 square into 5। अब देखो सबसे पहले तो जितने भी बड़े बड़े जितने भी सारे नंबर दिए हैं अगर वो सारे कंपोजिट है तो उसको पहले उसके प्राइम फैक्टर में हमने कन्वर्ट कर लिया, सबसे पहली स्टेप। जब जब आपको क्वेश्चन इस तरह एक्सप्रेशन फॉर्म में आया और क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, तो सबसे पहले आप यही करोगे, ठीक है।
सबको कंपोजिट नंबर जो भी दिख रहा है आपको उस एक्सप्रेशन में, सबको पहले आप फैक्टराइज करोगे और इस तरह लिख दोगे। और अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से, जीरोज क्रिएट कौन करता है? कौन से दो प्राइम नंबर की पेयर जीरो को क्रिएट करती है? आप बोलोगे सर जीरो तो टेन भी क्रिएट करता है, लेकिन टेन को भी कौन क्रिएट किया है? टू इंटू फाइव। ठीक है, ये सारी नंबर बने किससे? पूरी नंबर सिस्टम बनी किससे? प्राइम नंबर से। टेन बराबर है, टेन किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो आखिरी में जीरो क्रिएट कर देगा, लेकिन टेन में भी जीरो क्रिएट किसने किया है? टू इंटू फाइव के पेयर ने। अगर हम टू इंटू फाइव करते नहीं थे तो टेन का जन्म कभी होता ही नहीं था। टेन का जन्म क्यों हुआ है? फाइव इंटू टू से। तो इन शॉर्ट जीरो क्रिएट करने का, जीरो को जन्म देने का जिम्मा किसने उठाया है? फाइव और दो की पेयर ने। फाइव इंटू टू एक जीरो को क्रिएट करता है। अगर ऐसी एक पेयर है तो एक जीरो मिलेगा, दो पेयर है तो दो जीरो मिलेगा, तीन पेयर है तो तीन जीरो मिलेगा। इन शॉर्ट आप अब समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। टू और फाइव के अलावा जो भी प्राइम नंबर आपको यहां दिख रहे इग्नोर, वो कोई काम के नहीं है। जैसे यहां 13 आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, इग्नोर वो। जस्ट हमने गो विद द फ्लो, सबको हमने कंपोजिट में करना था, कंपोजिट को प्राइम में करना था, तो इसलिए हमने 13, 3, 7 भी आए उनको कर दिया। लेकिन जब जब नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट है, हमारा फोकस रहेगा सिर्फ 2 एंड 5 पे, खत्म। क्योंकि ये कंसेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस, और जीरो को जन्म देता है 2 और 5 की एक पेयर। 2 इंटू 5 10, मतलब मिल गया एक जीरो। ठीक है, सो अब देखो अब करोगे क्या। तो जितने भी 2 और जितने भी 5 है यहां पे काउंट कर लो। 2 कितने बार आए हैं वो काउंट कर लो, 5 कितने बार आए हैं वो काउंट कर लो। सबसे पहले 2 देखो, 2 यहां पे 4 टाइम्स आया है। जितनी पावर होती है उतना टाइम्स वो आता है। 2 को अगर 2^4 को अगर मुझे सीक्वेंस में लिखना होता तो कैसे लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 यहां पे कितनी बार आया है? 4 बार। यहां पे कितनी बार आया है? 5 टाइम्स। यहां पे 2, यहां पे देखो कुछ नहीं, मतलब जिसका कोई रेस टू पावर नहीं होता है उसका हमेशा 1 होता है, सो यहां पे 1 टाइम। ठीक है, और यहां पे 2 टाइम। तो देख लो 2 कितनी बार आया है? 4 प्लस 5 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 प्लस 2 14, 14 टाइम्स आया है यहां पर 2। क्लियर, 14 टाइम्स आया है यहां पर 2। अब देखो 5 कितनी बार आया है? 5 2, यहां जिसका रेस टू पावर कुछ नहीं उसका 1 2 1 अगेन 2, सो और कहां पर आपको 5 आगे दिख रहा है? यस, यहां पे 4 और यहां पे कुछ नहीं, मतलब अगेन 1। सो देखो 5 कितनी बार आया है? 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 एंड प्लस 1 10, 10 टाइम्स आ गया है 2। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 एंड प्लस 1 10, मतलब जितनी पावर है उन सबको ऐड कर दिया आपने 5 के, 10 टाइम्स मिल गया। जितनी पावर 2 की है उन सबको ऐड कर दिया, 14 टाइम्स मिल गया। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में, और मैंने पहले का बोल दिया आपको कि 13 7 3 ये सारे प्राइम नंबर को अब क्या करना है? इग्नोर। आपको सिर्फ देखना है 2 और 5, क्योंकि क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोस का, जीरो क्रिएट करता है 2 और 5 की पेयर। तो मुझे बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 है 14 टाइम्स, 5 है 10 टाइम्स, मतलब हम मैक्सिमम कितनी पेयर्स बना सकते हैं? मैक्सिमम कितनी पेयर बनाएंगे? ओनली 10। ठीक है, जो दोनों में से कम है पेयर उतनी बनेगी। 4 2 जो है वो क्या है? ऐसी रह गए। 10 हमारे पास, 10 टाइम्स कौन है? 5, तो हम 10 टाइम्स 2 भी यूज कर सकते हैं, उस तरह 10 पेयर बन जाएगी। जो 4 2 बच गए वो ऐसे रह गए। हमें मतलब क्या है पेयर से? अकेला 2 भी 0 को जन्म नहीं दे सकता, अकेला 5 भी 0 को जन्म नहीं दे सकता। 0 का जन्म कौन करता है? 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 और 5 की पेयर। सो यहां पेयर कितनी बनेगी? देखो सिंपल सा वर्ड, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज 2 यानी बॉयज है और 5 यानी गर्ल्स है, तो मेरे पास बॉयज कितने हैं? 14, गर्ल्स कितने हैं? 10। तो अगर मुझे शादियां लगानी है तो कितनी लगा सकता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा? 10, क्योंकि बॉयज भला ही 14 है बट गर्ल्स तो 10 ही है। सो ज्यादा से ज्यादा शादियां कितनी लगेगी? ओनली 10। जो 4 बॉयज है वो कुंवारे रह गए, ठीक है, उनकी शादी नहीं हो पाई। बट पेयर्स, बॉयज एंड गर्ल्स की पेयर कितनी बना सकता हूं मैं? ओनली 10। उसी तरह यहां 2 14 टाइम्स है, 5 10 टाइम्स है, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 की पेयर कितनी बनेगी? जो कम होता है ना वही आंसर होता है इन
सिंपल वर्ड्स, जो कम है वही आंसर है, जो रेयर है वही आंसर है. तो इन दोनों में रेयर कौन है? 5, सिर्फ 10 टाइम्स आया है, तो वो आंसर है. इन दोनों की आप सिर्फ 10 पेयर बना सकते हो, जो एक्स्ट्रा 4 टाइम्स 2 रह जाएंगे वो कुवारे रहेंगे, मतलब ऐसे रहेंगे. सो टोटल 10 पेयर पॉसिबल है यहां पे 5 × 2 की, और इसीलिए आंसर इज 10 नंबर ऑफ जीरोस. फिनिश. जितनी पेयर वो आंसर. सर ये पेयर निकालने के बाद अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जितनी पेयर पॉसिबल है वही आपका आंसर है. मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में घर पे चाहे तो ओरली कैलकुलेटर यूज करके ट्राई कर लेना, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना, एक बड़ा सा आंसर मिलेगा. आंसर क्या मिलेगा मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में आपको 10 जीरोस पक्का दिखेंगे. लास्ट में आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने दिखेंगे? 10. ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उनके बीच में कोई डिजिट नहीं, लाइन से सिक्वेंस से आपको 10 जीरोस दिखेंगे आखिरी में. आप चाहे तो घर पे ट्राई कर लेना. सो बेसिकली नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट बहुत इजी. करना क्या है, जो भी नंबर दिए सबको पहले प्राइम फैक्टर में करो, उसमें के बाकी प्राइम फैक्टर भूल जाओ. सिर्फ 2 कितनी बार आया है देखो, 5 कितनी बार आया है देखो, और दोनों में से जो छोटा है, दोनों में से जो रेयर है वो आंसर है. नंबर ऑफ पेयर इतनी बनेगी. तो यहां 2 14 टाइम्स आया था इस एग्जांपल में, और 5 10 टाइम्स आया था. तो दोनों में से कम कौन है? 10. दोनों में से रेयर कौन है? 10. तो इसलिए 10 इज द आंसर. मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज आर 10. लिख लो. सो बस बहुत इजी छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये नंबर ऑफ जीरोस का, और इसमें एक वैरायटी है मैं वो भी आपको बताता हूं. ठीक है, सो ये था नंबर ऑफ जीरोस. अब देखना अब नंबर ऑफ जीरोस में और एक वैरायटी का क्वेश्चन है, वो देखो क्या है. अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर इन 720 फैक्टोरियल, 720 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज है. अब सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझ जाओ कि फैक्टोरियल मतलब क्या. बहुत से स्टूडेंट को पता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखा होगा. फैक्टोरियल मतलब क्या, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल है ना, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन तब तक जब तक 1 ना आ जाए. मतलब क्वेश्चन अगर 3 फैक्टोरियल बोल रहा है तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या, 3 × 2 × 1. 4 फैक्टोरियल अगर बोल रहा है तो 4 × 3 × 2 × 1. 5 फैक्टोरियल अगर बोल रहा है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1. मतलब फैक्टोरियल इन द सेंस, किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो उसका डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन, सिस्टमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन कब तक, जब तक 1 ना जाए. तो देखो 3 फैक्टोरियल 3 से लेकर 1 तक, 4 4 से लेकर 1 सबका मल्टीप्लीकेशन, 5 से लेकर 1 सबका मल्टीप्लीकेशन. क्लियर. तो क्वेश्चन अब आपको पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर इन 720 फैक्टोरियल. 720 फैक्टोरियल मतलब आप इमेजिन कर लो कितना बड़ा नंबर हो सकता है. 720 फैक्टोरियल यानी 720 का डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन जब तक 1 ना आ जाए. मतलब 720 × 719 × 718 × 717 … 1. अरे इनफैक्ट 5 फैक्टोरियल का आंसर होता है 120, 6 फैक्टोरियल का 720, 7 फैक्टोरियल का 5040, 8 फैक्टोरियल का 40320. मतलब 8 फैक्टोरियल का ही आंसर देखो 5 डिजिट में आ रहा है 40320. तो सोचो इसका आंसर कितना बड़ा आएगा. और क्वेश्चन आपको बोल रहा है इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालो. अब मुझे बताओ अगर 720 फैक्टोरियल को मैं अगर इस फॉर्म में लिख दूं, मतलब 720 × 719 × 718 … 1, और नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट आपको क्या बोलता है कि जो भी फैक्टराइज हो, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है, सारे एक्सप्रेशन को क्या करो, फैक्टराइज करो. अब मैंने पहले तो इस बड़े से नंबर को 720 फैक्टोरियल को एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया 720 × 719 × …1. अब उसको फैक्टराइज करूं तो मुझे बताओ टाइम वाइज भी, हालांकि ये मेथड हमने स्मार्ट बोली थी तब,
हार्ड वर्क मतलब क्या था, सबको मल्टीप्लाई करो। स्मार्ट वर्क मतलब क्या था, मल्टीप्लाई ना करते हुए हर एक नंबर को फैक्टराइज करो और उसमें टू कितने हैं काउंट कर लो, फाइव कितने काउंट कर लो, दोनों में से जो कम है वो आंसर है। बट इस टाइप के क्वेश्चन में वो मेथड क्या वाकई में स्मार्ट कहलाएगी? हर एक नंबर को 720 को फैक्टराइज करो, 719 को, 718 को, ऐसे 1 तक फैक्टराइज करते रहो, बिल्कुल नहीं। मतलब वो मेथड भी यहां पे क्या हो गई, टाटा फिश फेल है। अब देखो करना क्या है सर, तो फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इनफैक्ट लास्ट वाले टेक्निक से भी इजी टेक्निक है। सिर्फ क्या करना होता है आपको, देखो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जीरो क्रिएट कौन करता है, फाइव और टू की पेयर। फाइव और टू की पेयर जीरो क्रिएट करती है, और उसमें भी हमने आंसर किसको बोलना होता है, फाइव और टू में से जो कम टाइम आया है, जो रेयर है। जैसे लास्ट एग्जांपल में 214 टाइम्स आया था, 510 टाइम्स आया था, तो सबसे कम टाइम कौन आया था, फाइव, तो रेयर कौन था, फाइव। तो उसका रिलेटेड आंसर विल बी द योर फाइनल आंसर। फाइव का जो भी रिलेटेड आंसर था वो आपका फाइनल आंसर ही रहेगा इन दैट केस, क्योंकि टू आया था 14 टाइम, फाइव आया था 10 टाइम, तो दोनों में से कम कौन था, 10। सो आपने बोल दिया था नंबर ऑफ जीरोस 10 है। अगर दोनों में से कम, सपोज उल्टा होता था, टू आता था आपका 8 टाइम्स और फाइव आता था आपका 10 टाइम्स, तो इस बार दोनों में से कम कौन है, टू। तो आप बोलते थे कि यहां पे कितनी पेयर्स पॉसिबल है, भला ही लड़कियां 10 है, लड़के 8 है, तो शादियां तो 8 ही हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह 2 8 टाइम्स है, 5 10 टाइम्स है, तो दोनों में से सबसे कम कौन होता है, वो आंसर होता है 8 टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, सिर्फ 8। तो इन शॉर्ट जो रेयर होता है वो आंसर होता है, एक्सप्रेशन फॉर्म में आपने वो देखा था लास्ट एग्जाम्पल में। बट आपको पता है जब जब फैक्टोरियल का क्वेश्चन आएगा, जब जब फैक्टोरियल का, तो आपको टू देखने का भी काम नहीं, क्योंकि मेरा बार बार एक ही सेंटेंस को आप समझो, जो रेयर है वो आंसर है, जो रेयर है वो आंसर है। तो एक्सप्रेशन फॉर्म में आपको ढूंढना होता है, काउंट करना होता है कि टू कितनी बार आया है, फाइव कितनी बार आया है, दोनों में से रेयर कौन है, यानी दोनों में से कम कौन आया है। बट फैक्टोरियल क्या है, एक सिस्टमेटिक सीरीज है। आप देखो सिस्टमेटिकली आप मल्टीप्लाई करते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब तक वन ना आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में जब तक वन ना आ जाए, डिसेंडिंग में जब तक वन ना आ जाए। तो याद रखो कोई भी सिस्टमेटिक सीरीज में अगर आप टू और फाइव को कंपेयर करोगे तो रेयर हमेशा फाइव ही है। मतलब आपको इस बार टू भी देखने का काम नहीं, जैसे एक्सप्रेशन में मैंने आपसे कहा था कि आपको सिर्फ टू और फाइव देखना है, बाकी प्राइम नंबर को छोड़ देना है, इग्नोर करना है। फैक्टोरियल के केस में तो आपको टू भी नहीं देखना है, फैक्टोरियल के केस में आपको सिर्फ फाइव ही देखना है, क्योंकि जो रेयर होता है वो आंसर होता है। और टू और फाइव के केस में अगर कोई सिस्टमेटिक सीरीज है, यानी फैक्टोरियल वाली सीरीज है, तो टू और फाइव में सबसे रेयर फाइव ही होता है। देख लो थ्री फैक्टोरियल में टू एक बार आ चुका है, बट फाइव अब तक आया है नहीं, फाइव की एंट्री भी नहीं हुई है, मतलब अगेन यहां पर कौन ज्यादा बार आया है, टू। फोर फैक्टोरियल में भी देखो टू यहां पर एक बार आ गया है, ये फोर मतलब ही क्या होता है, टू स्क्वायर, मतलब यहां पे टू वन टाइम आ चुका है, यहां पे टू टू टाइम्स आ चुका है, मतलब टोटल मिलाकर टू थ्री टाइम्स आ चुका है, लेकिन अब तक फाइव की एंट्री भी नहीं हुई है, मतलब अगेन रेयर कौन है, फाइव। यहां पर देख लो फाइव फैक्टोरियल में फाइव बस एक बार आया है, हालांकि टू यहां पे एक बार आ चुका है, और फोर यानी टू स्क्वायर, फोर यानी टू स्क्वायर, तो टू कितनी बार आ चुका है, यहां पे दो बार, यहां पे एक बार, तीन बार, और पांच की तो अभी एंट्री हुई है। तो फैक्टोरियल के केस में फैक्टोरियल क्या है, एक सिस्टमेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है उस नंबर की टिल वन, तो फैक्टोरियल के केस में फाइव हमेशा रेयर है। तो आपको अब मैं जो टेक्निक बताने वाला हूं वो बस अब फाइव से रिलेटेड है। क्या करना होता है, जब जब आपको ऐसा कोई नंबर आया 720 फैक्टोरियल और उसमें आपको पूछा है नंबर ऑफ जीरोस, तो बस आपको पता है कि फैक्टोरियल के केस में जितने फाइव आएंगे वही आंसर रहेगा, क्योंकि रेयर तो फाइव ही है, टू तो लॉट में पड़े हमारे पास, बहुत पड़े टू हमारे पास, यही देख लो यहां पे एक आ गया, यहां पे तीन आ गए, अब तक तो फाइव आया भी नहीं है। तो अब आपको एक प्रोसेस फॉलो, एक टेक्निक फॉलो करनी है, बट वो सिर्फ फाइव के साथ। क्या करना होता है, 720 जो भी नंबर है, जो भी फैक्टोरियल नंबर आपको दिया है, दैट अपॉन 5 रेस टू 1 कंपल्सरी, देन शुरुआत हमेशा रेस टू 1 से करो, प्लस 720 अपॉन 5 स्क्वायर,
प्लस 720 अपॉन 5 क्यूब प्लस 720 अपॉन 5 रेस टू 4 प्लस आगे भी लेके जा सकते थे। अब समझो प्रोसेस कहां तक करनी है। 5 रेस टू 1 तक लिया, 2 तक लिया, 3 तक लिया, 4 तक लिया, लेकिन आगे मैं लेके नहीं जा रहा हूं। तो आप बोलोगे सर मतलब ये प्रोसेस सिर्फ रेस टू 4 तक ही करनी होती है? ऐसा नहीं है। रूल क्या है कि ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर से छोटा है। मुझे बताओ 5 रेस टू 1 कितना होता है? 5, तो 720 से छोटा ही है। 5 स्क्वायर यानी 25, 720 से छोटा ही है। 5 क्यूब यानी 125, 720 से छोटा ही है। 5 रेस टू 4 यानी 625, और 625 भी 720 से छोटा ही है। लेकिन अगर मैं 5 रेस टू 5 ले लेता था, 720 अपॉन 5 रेस टू 5, आपको पता है 5 रेस टू 5 होता कितना है? 3125, तो मुझे बताओ 3125 720 से बड़ा है? यस। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, स्टॉप द प्रोसेस, आप आगे नहीं जाना है। तो यहां पे सिर्फ रेस टू 4 तक ही जाना है, वो रूल नहीं है। रूल क्या है? तब तक प्रोसेस को लेकर जाना है आगे जब तक डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर से छोटा है। डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से छोटा आ रहा है, गो अहेड गो अहेड गो अहेड। लेकिन कोई एक भी फ्रैक्शन में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, अब अगली रेस टू पावर अगर आप ले लेते हो तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, देन स्टॉप द प्रोसेस। जैसे कि यहां हुआ, 5 रेस टू 5 लेता था तो 720 से बड़ा आता था, स्टॉप द प्रोसेस। और अब क्या करना है? बस इन सारे 1, 2, 3, 4 इन चारों फ्रैक्शन में आपको बस क्या देखना है? कोशंट कोशंट कोशंट। हो सकता है किसी का आंसर आपका पॉइंट में आए, जैसे 30 पॉइंट समथिंग आए, तो आपको सिर्फ 30 लेना है। वो पॉइंट समथिंग मतलब क्या है? रिमाइंडर वाला पार्ट, रिमाइंडर को इग्नोर करना है, जो प्योरली कोशंट है बस उसको लेना है। इन चारों फ्रैक्शन में आपको सिर्फ जो कोशंट पार्ट है वो लेना है। अगर आपका 17 पॉइंट समथिंग आए या 21 पॉइंट समथिंग आए, तो समथिंग समथिंग को इग्नोर करना है, सिर्फ कोशंट यानी 17, 21 वो लेना है। तो चलो शुरू करते हैं। 720 अपॉन 5, अब मैं बार बार बोल रहा हूं आपका कैलकुलेशन टेबल्स एटलीस्ट उतने याद हो जिससे आप ये छोटे मोटे कैलकुलेशन ओरली कर लो। सो 144, ठीक है। उसके बाद ये 5 स्क्वायर मतलब कितना होता है? 25, सो 25 से आप डिवाइड कर लो, सो 25 टू जार 50, अगेन कितना बच गया? 22 पे जीरो लिया, 25 एट जार 200, बराबर। अब ये 5 क्यूब कितना होता है? 125, सो 125 इंटू 4 आपको पता है 500 होता है, बट यहां तो 720 है, सो 125 इंटू 5 625, तो 625 परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटू 7 करोगे तो 750 हो जाएगा, जो इससे बड़ा है। मतलब आंसर पक्का क्या आने वाला है? 6 पॉइंट समथिंग, 7 तो नहीं आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं 6 पॉइंट समथिंग यानी जब भी आंसर आपका डेसिमल में आता है तो उसका सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट उठा लो, वो पॉइंट समथिंग को भूल जाओ। एंड द लास्ट 720 अपॉन 5 रेस टू 4, 5 रेस टू 4 कितना होता है? 625, तो यहां पे एक ही क्वेश्चन बैठता है, खत्म। सो देखो आंसर क्या आ गया, इन सबका एडिशन विल बी आंसर 144 प्लस 6 150 प्लस 1 151 प्लस 28 यानी 179 इज द आंसर। इतनी सिंपल प्रोसेस है, लिख लो एक बार फिर से, मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लो आप। देख लो चाहे तो, अगर 720 अपॉन ये क्या है 5 स्क्वायर 25, सो 1 हो गया, 2 हो गया कोशंट, यानी यहां पे आ गया 25 टू जार 50, 22 0, सो यहां पे 25 8 जार 200। 25 का टेबल तो याद होना जरूरी है, 20 का हो गया रिमाइंडर, और मैं पहले ही बोल रहा हूं रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन लेना है। उसी तरह अगर आप 5 क्यूब यानी 125 ले लेते हो, 5 क्यूब यानी 125 अगर लेते हो तो 6 मतलब कितना होता है? 625, तो यहां कितना बच गया? 95। अगेन 95 रिमाइंडर है, हमें मतलब है सिर्फ क्वेश्चन से, इसलिए हमने यहां पे लिया 6, यहां पे लिया 28, यहां पे तो सीधा एक का ही क्वेश्चन बैठता है क्योंकि ये 625 होता है।
यहां पे 5 आएगा, 125, 5s are 625, तो यहां पे 5 आएगा और यहां इसलिए आंसर आपका 178 हो गया, एक से कम। 125 6 आर कितना होता है 750, बट 750 इससे बड़ा है 720 से, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं फिट होता है, बट 125 5 आर 625 वो क्वेश्चन फिट हो गया। और ये तो सीधा है 720 अपॉन 5 रेस टू 1 यानी 5, ये तो सबको टेबल याद होता ही है 5 का, ऐसी उम्मीद तो मैं एटलीस्ट करता हूं। तो 5 से डिवाइड करने के बाद 144 क्वेश्चन आया, सो 128 इज द आंसर। मतलब 720 फैक्टोरियल इस नंबर को आप अगर पूरा कैलकुलेट कर लो, 720 इंटू 719 इंटू 718 टिल 1, तो उन सब का मल्टीप्लीकेशन भलाई चाहे जितना बड़ा नंबर आए, चाहे जितना बड़ा नंबर आए हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन उस नंबर के लास्ट में एंड में 178 टोटल नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, मतलब उनके बीच में कोई भी और दूसरा डिजिट नहीं रहेगा, लाइन से 178 जीरोस रहेंगे लास्ट में, उसके पहले भले ही चाहे कितना बड़ा नंबर आ जाए लेकिन लास्ट के नंबर ऑफ जीरोस 101% 178 रह गए। चाहे तो घर जाकर 1720 फैक्टोरियल निकाल के देखना, जो कि आप नहीं निकालोगे पता है, बट 101% प्रूवन टेक्निक है ये, जो भी आंसर आए आखिरी में नंबर ऑफ जीरोस 178 रहेंगे, ठीक है। सो करना क्या है बेसिकली, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि जब जब एक्सप्रेशन का केस आया है, इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था, तो उसमें तो आपको हर एक कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करो और उसमें 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है देखो, और उन दोनों में जो रेयर है, जो कम बार आया है, वो आपका आंसर है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 10 टाइम्स। बट जब जब फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल मतलब एक सिस्टमेटिक सीरीज है डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन टिल 1, तो वो फैक्टोरियल के केस में बचपन से बाय डिफॉल्ट रेयर हमेशा 5 ही होता है, तो 2 के बारे में भी हमें सोचना ही नहीं है, एक टेक्निक है जो 5 के साथ अप्लाई करनी है। और कैसे अप्लाई करनी है, तो वो नंबर को पहले रेस्ट टू, शुरुआत कंपल्सरीली रेस्ट टू 1 से करोगे, प्लस वो नंबर को रेस्ट टू 2 से, 5 रेस टू 2, प्लस वो नंबर को 5 रेस टू 3 से डिवाइड करो, प्लस वो नंबर को 5 रेस टू 4 से करो, ये सिलसिला चलने दो, कब तक, जब तक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर कोई भी रेस टू पावर में आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहां न्यूमरेटर छोटा दिख रहा है, तो स्टॉप द प्रोसेस, ठीक है। सो जैसे हमने 5 रेस टू 4 तक लिया क्योंकि यहां तक डिनोमिनेटर छोटा था, अगले इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होने वाला था, हमने वो लिया ही नहीं। और इन सारे फ्रैक्शन का फिर क्या निकालना है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, रिमाइंडर को मारो गोली, रिमाइंडर हमें देखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन लिया, ऐड कर दिया, जो एडिशन आया वो आपका फाइनल आंसर, मतलब इस 720 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस है 178, क्लियर। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, एक जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए, सिंपल सा एग्जांपल, अगर 340 फैक्टोरियल आता था, तो 340 फैक्टोरियल में फिर से शुरुआत हमेशा 5 रेस टू 1 से करो, देन 340 अपॉन 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 340 अपॉन 5 क्यूब यानी 125, प्लस 340 अपॉन 5 रेस टू 4 मत लो, क्योंकि 5 रेस टू 4 होता है 625, 5 रेस टू 4 625 होता है। सो 340 से 625 यानी डिनोमिनेटर बढ़ा रहा है, तो वो चीज आपको लेनी नहीं है, स्टॉप द प्रोसेस, बस इन तीनों फ्रैक्शन का जो क्वोशंट आता है वो लिख लो। सो यहां पे आ गया 6, 8, 68, 25 1s are 90, 3s are, मतलब 13 पॉइंट समथिंग होता है टेबल। मैंने कहा है 30 तक टेबल याद होना ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो 25 का टेबल पहला 9 से हो गया, फिर 9 बचा, 9 पे 0 कैरी किया 90, सो 25 3s are 75, 15 रिमाइंडर बचा, बट हमें क्वेश्चन से मतलब 13, और 125 2s are 250। देखो 125 3s are अगर मैं लेता था, तो 125 × 3 कितना होता है 375, बट यहां तो सिर्फ 340 है, तो 3 का क्वेश्चन तो बैठता नहीं है, मतलब आंसर क्या आएगा पक्का 2 पॉइंट समथिंग, बट हमें वो पॉइंट समथिंग लेना ही नहीं है, ओनली 2, 125 2s are 250, 90 भले ही रिमाइंडर बचे बट 250 माइनस कर दिया, क्वेश्चन बैठ गया 2 का, 125 2s are। तो इन सबका एडिशन ये 70, 83, मतलब 340 फैक्टोरियल में नंबर वैल्यू जो भी आए बट लास्ट में 83 नंबर ऑफ जीरोस आपको दिखेंगे, लिख लो।
तो ये था आपका नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो शीट के कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर ऑफ जीरोस, शीट के कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर ऑफ जीरोस। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस का, कल मतलब लास्ट सेशन तक हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए थे, उसके बाद का है नेक्स्ट क्वेश्चन 10। आपको बोला है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 1090 फैक्टोरियल। 1090 फैक्टोरियल के एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और फैक्टोरियल के केस में अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या प्रोसेस है आपको पता है। शुरू कर दो 1090 अपॉन 5 raised to 1, 1090 अपॉन 5 square यानी 25, अपॉन 5 cube यानी 125, अपॉन 5 raised to 4 625। अगला आप नहीं लेकर जा सकते क्योंकि 5 raised to 5 होता है 3125, 3125 जो कि न्यूमरेटर से बड़ा है। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो रहा है स्टॉप द प्रोसेस। क्या करना है आपको, चलो बस इन चारों फ्रैक्शन का सिर्फ क्वेश्चन निकालना है, उन सबको ऐड कर देना है, जो एडिशन हो आपका आंसर। ये आप देख चुके हो। सो 218, उसके बाद 43, 125 से डिवाइड कर लो, 125 इंटू 8 कितना होता है 1000। सो देख लो 1090 से 125 को डिवाइड कर लो, सो 125 इंटू 8 होता है 1090, रिमाइंडर है बट हमें मतलब है सिर्फ क्वेश्चन से, तो यह आ गया 8। उसी तरह 1090 इंटू 25 का भी दिखा देता हूं मैं आपको, अगेन 3, 25 3 are 75, रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, क्वेश्चन है 43। 5 का तो आप कर ही लोगे और 625 का तो एक ही बैठता है क्योंकि 625 का डबल है 1250, 1250 जो कि इससे बड़ा है। सो यह क्वेश्चन सिर्फ एक ही बैठता है, मतलब 1 point something something आंसर आएगा बट वो समथिंग गया, हमें उससे मतलब नहीं है। इन सबका एडिशन हुआ आपका फाइनल आंसर। सो कितना हुआ इन सबका एडिशन 9 और ये उसमें आ गया 27, 227 प्लस 43 फाइनल आंसर इज 270। मतलब चाहे जितना बड़ा नंबर आ जाए आखिरी में नंबर ऑफ जीरोस 270 रहने वाले हैं। ठीक है, सो 270 इज द आंसर। जहां आपको 270 दिख रहा है जस्ट टिक, ए ए इज द आंसर। देख लो ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपके शीट का नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट टू डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन 35 इंटू 34 इंटू 33 32 31 30 29 28 27 26। इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में आखिरी के दो डिजिट आपको पूछे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ गया होगा कि सर आपने लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट थ्योरम तो बोला था कि लास्ट डिजिट कैसे निकालना है, ये लास्ट टू डिजिट हमें कैसे निकालना है, इसका क्या थ्योरम है। इसके कोई थ्योरम की हमें जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन ने बस अपनी लैंग्वेज बदल दी है। इस टाइप का क्वेश्चन आप नंबर ऑफ जीरोस में देख चुके हो, एक्सप्रेशन फॉर्म के अगर क्वेश्चन है तो उसमें आप सबसे पहले तो 2 और 5 की पेयर काउंट करते हो, जितनी पेयर उतने नंबर ऑफ जीरोस, और नंबर ऑफ जीरोस मैं आपको हमेशा क्या बोल रहा हूं, जितना भी आपका आंसर आया है सपोज 3 number of zeros 8 number of zeros वो सब कहां होते हैं आखिरी में। जैसे 10320 में नंबर ऑफ जीरो सिर्फ 2 काउंट होंगे, ये तो एक नंबर है। तो इसी तरह क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली यहां पर फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ना बोलते हुए लास्ट टू डिजिट बोला है। और मुझे बताओ अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 pair भी निकाल लिए, 2 into 5 की 2 pair भी निकाल लिए, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट टू डिजिट तो 00 ही रहेंगे। अगर आपने 6 pair निकाल ली तो 6 pair अगर आ गई 2 into 5 की तो लास्ट 6 digit 00000 रहेंगे। इसका मतलब अगर लास्ट 6 digit 00000 है तो लास्ट 2 digit तो अगेन 00 ही रहेंगे।
बराबर ना। अगर सपोज इन सब का जस्ट एग्जांपल इन सब का आंसर ही आ जाता है 2108940000000, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हुई? अगेन ये इसके बीच में जो भी नंबर ऑफ जीरो है वो हमारे काम के नहीं है, हमारी जो टेक्निक है मेथड है वो हमें लास्ट वाले नंबर ऑफ जीरोस देती है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 6। बट 6 तो नंबर ऑफ जीरोस आए हैं लेकिन लास्ट टू डिजिट तो अगेन 00 ही रहेगा। 6 तो नंबर ऑफ जीरोस है बट क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ने थोड़ी सी लैंग्वेज अपनी बदल दी है, लास्ट टू डिजिट। अरे लेकिन अगर लास्ट 6 अगर 0 है तो लास्ट 2 तो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेंगे, ये लास्ट 6 जीरोस है तो देख लो ये लास्ट 2 तो 0 ही रहेंगे। इन शॉर्ट आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा पेयर मिल गई 2 और 5 की तो लास्ट 2 डिजिट बाय डिफॉल्ट 0 रहेंगे। दो मिले तो भी लास्ट 2 डिजिट 0 क्योंकि फिर नंबर ऑफ जीरोस 2 आप बोलोंगे और नंबर ऑफ जीरो हमेशा लास्ट में होते हैं तो लास्ट 2 डिजिट 00 बन जाएंगे। अगर दो से ज्यादा भी मिले जैसे 3 मिले 4 मिले 6 मिले तो लास्ट 3 डिजिट या 4 डिजिट या 6 डिजिट 00000000 रहेंगे। तो अगर 6 डिजिट भी 0 है तो उसमें भी लास्ट 2 डिजिट तो 0 ही कहलाएंगे। तो बस क्वेश्चन की बस लैंग्वेज ट्विस्ट वो समझो आप, क्वेश्चन ने कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछा है, बस उसका ढांचा बदल दिया है। अगर वही क्वेश्चन आपको बोलता था फाइंड नंबर ऑफ जीरो तो आप खुश होकर तुरंत निकाल लेते थे, अभी भी वही है, बस आपको प्रूफ करके दिखाना है कि लास्ट 2 डिजिट या उससे ज्यादा 0 अगर है तो आखिरी 2 डिजिट डेफिनेटली 00 ही रहेंगे। और लास्ट 2 डिजिट या उससे ज्यादा डिजिट 0 कब रहेंगे? जब उतनी पेयर्स आपको यहां मिल जाए 2 और 5 की 0 क्रिएट करने वाली पेयर्स। तो ढूंढ लो एक्सप्रेशन फॉर्म में हम कैसे ढूंढते हैं, सबसे पहले फैक्टराइज 5 × 7 2 × 17 11 × 3 32 यानी क्या 2 raised to 4 × 2 इनफैक्ट 2 raised to 5 भी 31 खुद एक प्राइम नंबर है, 30 यानी 3 × 5 × 2 29 खुद एक प्राइम नंबर है, 28 यानी 7 × 2² 27 यानी 3³ एंड 26 यानी 13 × 2। सो देख लो 2 कितनी बार आया है मेरे पास, 2 आया है 1 और 5 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 10 टाइम्स। ठीक है 1 पावर और यहां पे 5 पावर है 5 पावर्स, सो 6 7 8 9 10 10 टाइम्स। और देखो 5 कितनी बार आया है, यहां पे 1 और यहां पे 1 और आगे है कहीं नहीं, तो 2 टाइम्स। और ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कि जो रेयर होता है जो छोटा होता है वो आंसर, तो 2 और 10 छोटा कौन है 2 टाइम्स। तो खत्म, इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मर्जी चाहे आने दो लेकिन लास्ट 2 डिजिट पक्का 0 होंगे क्योंकि इनसे आपको क्या दिख रहा है कि इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस 2 है क्योंकि 2 पॉसिबल पेयर है 2 × 5 की, 5 2 है 10 10 टाइम्स भला ही होने दो बट पेयर 2 ही बनेगी, 2 पेयर है इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस 2 आने वाले हैं और नंबर ऑफ जीरोस हमेशा कहां होते हैं लास्ट में, तो लास्ट में 2 डिजिट 00 आने वाले हैं और क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि लास्ट 2 डिजिट कौन से, तो लास्ट 2 डिजिट है 00। खत्म कर दो टिक। क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो का ही था लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं था फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, लास्ट 2 डिजिट बोल दिया था लेकिन अगर आप प्रूफ कर लो कि लास्ट 2 डिजिट भी 0 है बाय यूजिंग नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट, लास्ट 2 डिजिट या उससे ज्यादा डिजिट 0 है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट 2 डिजिट 00 बच जाएंगे। तो बस वही नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट यूज किया, 2 × 5 की या 2 पेयर बन रही है तो लास्ट 2 डिजिट 0, सो ए इज द आंसर अगेन 00। ठीक है चलो एक कंसेप्ट और
अब ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये यूनिट डिजिट थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जितने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं और छोटे छोटे कंसेप्ट है। अब देखो अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस का ना होते हुए अगर एक अगला कंसेप्ट हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा है कि फाइंड हाइएस्ट पावर ऑफ थ्री विच कैन डिवाइड कंप्लीटली 89 फैक्टोरियल, 89 फैक्टोरियल को डिवाइड करने वाली 3 की वो कौन सी मैक्सिमम पावर है, ये मैक्सिमम पावर यानी वो 3^n जो मैंने बोला है तो वो n क्या, 89 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल से आप बिल्कुल अपरिचित नहीं हो, फैक्टोरियल मतलब आपको पता है कोई भी नंबर का फैक्टोरियल मतलब उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन टिल 1। सो 89 फैक्टोरियल को 3 की वो कौन सी मैक्सिमम पावर है जो डिवाइड कर सकती है। मिनिमम तो 3^1 भी होगा, 3^2 भी होगा, 3^3 भी होगा, 3^4 भी होगा, लेकिन आपको मिनिमम नहीं निकालनी है, आपको वो मैक्सिमम पावर ऑफ 3 निकालनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 निकालनी है विच कैन कंप्लीटली डिवाइड 89 फैक्टोरियल। बराबर, मतलब उस पावर के ऊपर आप एक पावर भी और बढ़ा दो तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगी, उस पावर के नीचे कितनी भी पावर ले लो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगी लेकिन एक पावर भी बढ़ा दो तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगी। इस तरह से वो आपको डेड एंड निकालना है, हाईएस्ट पावर निकालनी है 3 की जो 89 फैक्टोरियल को डिवाइड कर ले। सो देखो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए तुरंत नंबर ऑफ जीरोस के बाद मैं कंसेप्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सेम कंसेप्ट है नंबर ऑफ जीरो में, जो ट्रिक जो टेक्निक हमने अप्लाई की थी वही टेक्निक यहां अप्लाई होगी। सिर्फ वो टेक्निक हमने कहा फैक्टोरियल का केस याद करो नंबर ऑफ जीरोस में, वो टेक्निक हमने किसके साथ शुरू की थी, 5 के साथ, कोई भी नंबर है अपॉन 5^1 प्लस कोई भी नंबर, जो भी नंबर है अपॉन 5^2 प्लस जो भी नंबर है अपॉन 5^3, तब तक करते रहो जब तक डिनोमिनेटर छोटा है। सेम एज इट इज टेक्निक हमें यहां अप्लाई करनी है, सिर्फ 5 के साथ ना करते हुए जिस नंबर की हाइएस्ट पावर हमें निकालनी है उस नंबर के साथ हमें टेक्निक देखनी है। So, किस नंबर की हाईएस्ट पावर हमें निकालनी है, 3 की, सो 3 के साथ हमें टेक्निक देखना है और सेम वहीं पे स्टॉप करो जहां डिनोमिनेटर बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, जब तक डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से चलने दो, ठीक है, बस इसलिए एज इट इज प्रोसेस है। तो जब जब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ ए, व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ ए डिवाइड्स कंप्लीटली डिवाइड्स कंप्लीटली बी फैक्टोरियल, तो वो केस में आपको हमेशा ये ही प्रोसेस अप्लाई करनी है। अब मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो क्या एग्जाम्पल है, वॉट मैक्सिमम पावर ऑफ 3 यानी ए की जगह किसने ले ली है, 3 ने, डिवाइड्स कंप्लीटली 89 फैक्टोरियल, मतलब बी फैक्टोरियल की जगह किसने ले ली है, 89 फैक्टोरियल। तो प्रोसेस क्या है देख लो, अगेन जो नंबर है डिवाइडेड बाय 3 की पहले रेस टू वन से हमेशा शुरू करोगे, फिर 3^2 यानी 9 प्लस 3^3 प्लस 3^4। अब 3^4 तक ठीक है, 3^4 कितना होता है 81, तो अभी भी 81 89 से छोटा है, लेकिन आप अगेन अगर आगे 3^5 लोगे तो 3^5 पता है क्या है, 243, जो कि 89 से बड़ा है और डिनोमिनेटर बड़ा करना नहीं है, स्टॉप द प्रोसेस बस। सो 89, 3^1 तो 3 होता है, 3^2 तो 9 होता है, 3^3 तो 27 होता है एंड 3^4 81 होता है। तो शुरू करो 29 या 29 का, और मैंने कहा आपसे कि ऐसे फ्रैक्शन में क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है रिमाइंडर नहीं। 9 9s are 81, 27 3s are 81, 81 1s are 81, मतलब यहाँ 1 point something आता था या 3 point something या 9 point something, बट समथिंग को मारो गोली, हमें लेना है सिर्फ क्वेश्चन। सो ये आ गया 30, 39 and 42 फिनिश। मतलब क्वेश्चन आपको पूछ रहा था 3 की वो कौन सी मैक्सिमम पावर है जो 89 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है, तो वो 3 की मैक्सिमम पावर का आंसर हमें मिल गया 42। पूरी तरह डिवाइड करती है, मतलब एक भी आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, जीरो रिमाइंडर, कोई डेसिमल नहीं, जो भी आंसर आएगा वो पूरी तरह इंटीजर आएगा अगर आप 3^42 से इसको डिवाइड करते हो। 3^41 से भी होगा, 40 भी होगा, 39 भी होगा, 30 भी होगा, लेकिन आपको मैक्सिमम पूछा है
तो मैक्सिमम पावर क्या है 3 की 42। अगर आप एक पावर भी बढ़ा दो ना 43 तो पक्का वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये इसका डेड एंड है। इसके बाद आप एक भी बढ़ा दो तो आंसर आपका डेसिमल में आएगा। तो फिनिश, ये है वो कंसेप्ट। जब जब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ एनी नंबर यानी ए डिवाइड्स कंप्लीटली अनदर नंबर का फैक्टोरियल यानी बी फैक्टोरियल, तो ये रहेगी प्रोसेस जो नंबर ऑफ जीरोज में थी। तो मेरा एग्जांपल क्या था, व्हाट मैक्सिमम, एग्जांपल यहां लिख लेता हूं आपके लिए, व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ थ्री विच डिवाइड्स कंप्लीटली 89 फैक्टोरियल, और उसका सॉल्यूशन है ये, लिख लो। छोटी छोटी ट्रिक्स है, छोटे छोटे कंसेप्ट है। इसमें भी अभी और एक ट्विस्ट हमें देखना है। ठीक है, अब देखो अब अगर मैं अगला एग्जांपल लू, इस बार मैंने क्या लिया था 3 की मैक्सिमम पावर विच डिवाइड 89 फैक्टोरियल। अब मैं अगर ये एग्जांपल लू, व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 6 विच डिवाइड्स कंप्लीटली अगेन 89 फैक्टोरियल, सेम, या फिर चलो 89 ना लेते हुए कुछ दूसरा ले लेते हैं 121 फैक्टोरियल। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है इस बार, मैक्सिमम पावर ऑफ 6 विच डिवाइड्स 121 फैक्टोरियल, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में क्या फर्क है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 3 की मैक्सिमम पावर निकाली थी। उसके पहले भी नंबर ऑफ जीरोस में हमने क्या किया था, 5 से पूरी प्रोसेस रिपीट की थी हमने। तो आप अगर देखो तो नंबर ऑफ जीरोस में जो हमने 5 यूज किया था, इसके पहले वाले एग्जांपल में जो 3 यूज किया था, उनमें एक सिमिलरिटी है, एक कॉमन चीज है, उसके बेसिस पे हमने टेक्निक को सीधा अप्लाई कर दिया था। वो कॉमन चीज क्या थी, वो जो 5 था ये जो 3 था वो दोनों क्या है, प्राइम नंबर। और अगर प्राइम नंबर से हमें प्रोसेस अप्लाई करनी है तो हम डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं, सीधा ग्रीन सिग्नल है हमारे पास। लेकिन ऐसी केस में क्या करें, जहां पर हमें अब मैक्सिमम पावर ऑफ ऐसे नंबर की पूछी है जो एक कंपोजिट नंबर है। मुझे बताओ 6 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, 6 कंपोजिट नंबर है। तो ऐसी केस में क्या करें सर, जहां कंपोजिट नंबर है, तो एक चीज तो याद रखो, जो ट्रिक जो टेक्निक मैंने आपको बताई वो नंबर ऑफ जीरोज में भी या यहां पर भी, वो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए अप्लाई करनी है। तो अगर आपको मैक्सिमम पावर ऑफ कोई ऐसा नंबर भी पूछे जो कंपोजिट है, तो आप सीधा प्रोसेस अप्लाई मत कर दो, यानी 121 अपॉन 6 रेस टू 1 प्लस 121 अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 121, नहीं। आपको क्या करना होगा, पहले अब प्रोसेस को समझो, पहले तो जो कंपोजिट नंबर है जिसका मैक्सिमम पावर आपको निकालनी है उसको फैक्टराइज करो। तो 6 को फैक्टराइज तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, फैक्टराइज मतलब उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 × 3, और 2 × 3 में जो रेयर नंबर है, जो रेयर फैक्टर है, उसके साथ प्रोसेस शुरू करो। क्लियर है? सो देखो 2 × 3 में रेयर कौन है, मैंने आपसे पहले ही कहा था जो बड़ा है वो रेयर है। नंबर ऑफ जीरोज में हमें 2 और 5 ये पेयर से मतलब था, लेकिन जब फैक्टोरियल का क्वेश्चन आया था तो हमने 2 को ध्यान भी नहीं दिया, 5 से शुरू किया था। और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि 2 देखो लॉट में आता है हमारे पास,
टू कितनी बार आ चुका था जब तक कि फाइव की एंट्री भी नहीं हुई थी। तो टू और फाइव में रेयर कौन था? फाइव। फाइव क्यों रेयर था? इन शॉर्ट ये रूल ही है, जो बड़ा है वो रेयर है, जो बड़ा है वो रेयर है। यहां पर भी देख लो, टू फैक्टोरियल में टू इंटू वन, टू का डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन वन तक, तो यहां देखो टू आ चुका है, अब तक तो थ्री की एंट्री भी नहीं हुई है। फोर फैक्टोरियल में फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, फोर को भी हम क्या लिख सकते हैं? टू स्क्वायर। तो देखो थ्री अब तक सिर्फ एक ही बार आया है, लेकिन टू कितनी बार आ गया? यहां एक बार और यहां दो बार, थ्री टाइम्स। मतलब टू तीन बार आ चुका है और थ्री अब तक एक ही बार आया है। तो कोई भी प्राइम नंबर्स में हमेशा याद रखना, सिर्फ टू और थ्री, सिर्फ टू और फाइव के लिए नहीं, कोई भी प्राइम नंबर, जो बड़ा होता है वही रेयर होता है, और जो रेयर होता है हमें यह प्रोसेस सिर्फ रेयर फैक्टर के साथ अप्लाई करनी है, ठीक है। तो सिक्स रेस टू एन मतलब सिक्स की कौन सी वो मैक्सिमम पावर है जो 121 फैक्टोरियल को कंप्लीटली डिवाइड करती है। तो यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या आया कि हमने जो ट्रिक या टेक्निक देखी है वो सिर्फ प्राइम फैक्टर के लिए करना है। तो अब प्राइम फैक्टर के लिए अगर हमें करना है तो ठीक था, पहले हमने अप्लाई किया था फाइव के लिए थ्री के लिए, वो ठीक था, हमने सीधा शुरू कर दिया था तो वहां कोई दिक्कत थी ही नहीं। बट इस बार क्वेश्चन हमें सिक्स का पूछ रहा है, तो सिक्स तो प्राइम है नहीं, तो सबसे पहला रूल क्या है? सिक्स को प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसमें जो बड़ा होता है वो रेयर होता है। तो सिक्स के प्राइम फैक्टर क्या है? टू इंटू थ्री। टू और थ्री में रेयर कौन है? थ्री, क्योंकि बड़ा थ्री है और जो बड़ा है वो रेयर है, जो बड़ा है वो रेयर है, ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। सो खत्म। अब पूरी प्रोसेस 121 अपॉन जो भी है, 121 अपॉन जो भी है, वो पूरी प्रोसेस हमें किसके साथ अप्लाई करनी है? थ्री के साथ, ना कि सिक्स के साथ। तो ये चीज हमेशा याद रखना, वो ट्रिक सिर्फ प्राइम के साथ हम चलेंगे। अगर क्वेश्चन हमें कंपोजिट भी दे रहा है तो अब गड़बड़ हो गया वो मत सोचो, सिर्फ एक स्टेप आपकी बढ़ जाएगी कि अगर हमें प्राइम नंबर ना देते हुए कंपोजिट की हाईएस्ट पावर निकालनी है तो उसको पहले उसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो, और प्राइम फैक्टर में जो सबसे बड़ा है यानी जो रेयर है उसके साथ प्रोसेस शुरू करो। सो 121 अपॉन 3 रेस टू 1, 121 अपॉन 3 स्क्वायर, 121 अपॉन, तब तक करते रहो जब तक डिनोमिनेटर छोटा है, बस स्टॉप, क्योंकि नेक्स्ट आएगा 243 उसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, स्टॉप, बस इनका क्वेश्चन निकाल लो। सो 4040 यहां पे 1313 यहां पे 4 यहां पे 1, क्लियर। सो इन सबका एडिशन 1718 58 इज द आंसर। मतलब और ये 58 भला ही हमने प्रोसेस 3 के लिए की है, प्रोसेस भला ही हमने थ्री के साथ की है, लेकिन ये 58 प्योरली आंसर किसका है? सिक्स का। मतलब ऐसा नहीं कि सर एक बार फिर हमारा जो आंसर आ गया उसमें भी और कोई मॉडिफिकेशन करना है, क्या उसको और फिर टू से मल्टीप्लाई करना है या कुछ डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं। जो आंसर आएगा हमारा भला ही थ्री के साथ हमने किया है, जो भी आंसर हमारा आएगा वही फाइनल आंसर है सिक्स का, ठीक है। तो स्टार्ट में बस एक प्रोसेस आपकी बढ़ गई, जो भी कंपोजिट प्राइम था तो गो अहेड, सीधा हमने शुरू कर दिया, बट कंपोजिट है तो उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट, और दोनों में जो बड़ा है उसके साथ प्रोसेस अप्लाई किया। लेकिन प्रोसेस के बाद जो भी आंसर आया भला ही थ्री के साथ आया हो, बट वही आंसर सिक्स का रहेगा 101%। सो अगेन सिक्स की वो कौन सी मैक्सिमम पावर है जो 121 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है? वो है 58, 6 रेस टू 58, ये 121 फैक्टोरियल को पूरी तरह डिवाइड करता है, पूरी तरह। उसमें एक बड़ा दो तो नहीं होगा, बट 58 तक बिल्कुल होगा, लिख लो। सो कंपोजिट नंबर में ऐसा करना है। तो प्राइम में गो अहेड, मैक्सिमम पावर निकालना है तो कंपोजिट में फैक्टराइज करो, जो रेयर है उसके साथ प्रोसेस अप्लाई करो।
ठीक है। सो देखो और एक छोटा सा एग्जांपल, यही चीज आपको और बाय हार्ट करने के लिए। सपोज क्वेश्चन अब ऐसा आ रहा है, व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 65 कैन डिवाइड कंप्लीटली 100 फैक्टोरियल, यानी 100 फैक्टोरियल। तो अगेन 61 से, या फिर चलो 100 ना लेते हुए 210 ले लेते हैं, ठीक है। तो 65 से तो प्रोसेस अप्लाई करनी ही नहीं है, क्योंकि 65 कंपोजिट है, तो उसको पहले प्रोसेस क्या है उसको उसके प्राइम फैक्टर में करो। तो प्राइम फैक्टर क्या है, 5 × 13, ठीक है। और 5 और 13 में जो रेयर है, रेयर यानी कौन होता है, हमेशा जो बड़ा है, जो बड़ा है उसके साथ ये प्रोसेस अप्लाई करो। सो बड़ा कौन है, 13, तो 13 के साथ प्रोसेस अप्लाई करो। क्या है प्रोसेस, जो भी नंबर है फैक्टोरियल वाला डिवाइड बाय 13^1 डिवाइड बाय 13^2, बस स्टॉप द प्रोसेस, क्योंकि 13³ बहुत बड़ा आने वाला है 210 से। सो 13² तक हमें लेना है, सो 13 से डिवाइड कर लो 176, ठीक है। 13 × 1 = 13, सो बचा कितना, 8 पे आपने ले लिया 0, सो 8 पे 0 ले लिया 80, सो 13 × 6 = 78, ठीक है। 80 है तो उसको 6 का बराबर जाएगा 78, 2 रिमाइंडर है, मतलब ये 16 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो हमें सिर्फ 16 से मतलब, 13² कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर 169, तो 210/169 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट वो पॉइंट समथिंग अगेन छोड़ दो, आंसर इज 17, ठीक है। सो इसका क्वोशेंट है 16, इसका क्वोशेंट है 1, दोनों का मिलाकर 17, बट ये 17 13 के साथ भले ही आया है, बट ये 17 13 का आंसर ना होते हुए सीधा 65 का आंसर है। मतलब 65 की वो कौन सी मैक्सिमम पावर है जो 210 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है कंप्लीटली 13, 65/13, बस लिख लो। और अब देखना क्वेश्चंस, लास्ट 2 डिजिट वाला भी हमने देखा था, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इस कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, सो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, इफ 146 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 5^n, 146 फैक्टोरियल ये 5^n से पूरी तरह डिवाइड होता है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। बस लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन इस बार आपको क्लियर बोल दिया कि 146 फैक्टोरियल ये 5^n से पूरी तरह डिवाइड होता है, सो फाइंड मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। सो n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही तो 5 की मैक्सिमम पावर कहलाएगी ना। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन वही हो गया, व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 5 कंप्लीटली डिवाइड 146 फैक्टोरियल, बट यहां पे जिसकी मैक्सिमम पावर हमें निकालनी है वो खुद क्या है, प्राइम। तो प्राइम के केस में तो सीधा प्रोसेस को शुरू करो, अपॉन 5, 146 अपॉन 5² 146 अपॉन 5³, स्टॉप द प्रोसेस, क्योंकि 5^4 न्यूमरेटर से बढ़ाएगा 625। सो यहां बस क्वेश्चन निकाल लो, 4 2 9 29, 25 5 = 125, एंड ये तो वहां 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सो फिनिश, क्योंकि 150 का डबल ही 250 होता है इससे बड़ा, सो ये 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, सो आंसर इज 35, फिनिश। तो 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 35, जो 146 फैक्टोरियल को पूरी तरह डिवाइड करती। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 146 फैक्टोरियल को 5^n पूरी तरह डिवाइड करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n निकालो, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ 5 निकालो, सेम प्रोसेस। सो 5^35 इज द मैक्सिमम वैल्यू विच कैन डिवाइड 146 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 146, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 146 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6^n बोल दिया इस बार, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। अगेन n की मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम पावर ऑफ 6, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट क्या है, जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है यानी 6,
जिसकी हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है वो कंपोजिट है, और कंपोजिट के केस में हम क्या करते हैं, उसको उसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट टाइम 5 था तो सीधा प्रोसेस अप्लाई किया, 6 कंपोजिट है तो उसके प्राइम फैक्टर ये हुए, और दोनों में से जो बड़ा होता है उसके साथ प्रोसेस शुरू करते हैं। सो 3 के साथ प्रोसेस शुरू करो, क्या है प्रोसेस, अगेन 3:1 करते रहो, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, जब तक न्यूमरेटर बड़ा है करते रहो, स्टॉप, क्योंकि अगले इसमें क्या हो जाएगा, 3:5 यानी 243 बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से। सो 4 एंड 8, 1 एंड 6, 5 एंड 1, हो गया। 3 से डिवाइड करने के बाद का क्वेश्चन 48 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ठीक है, बट मतलब हमें सिर्फ क्वेश्चन से डेसिमल पॉइंट समथिंग छोड़ दो, 146/9 अगेन 9, 16, 27, 27 5 are 135 अगेन 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 ले लिया, और यहां पे तो 1 का ही बचता है क्योंकि इंटू 2 होता है 162, सो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 2 पॉइंट तो बिल्कुल नहीं क्योंकि इसका डबल ही इससे बड़ा है। सो इन सबका एडिशन, सो ये हो गया 21, 22, सो 50, 70 फिनिश। तो ये 70 भला ही 3 को लेकर हुआ है, बट ये आंसर किसका रहेगा, 6 का। सो 6 की वो मैक्सिमम पावर क्या है, 6:30। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे, द हाईएस्ट पावर ऑफ 990, देखो इस बार किसकी पावर आपको पूछी, 990 की हाईएस्ट पावर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 1090 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल नंबर तो ये है बट मैक्सिमम पावर हमें किसकी निकालनी है, 990, लेकिन ऐसा नंबर जिसकी मैक्सिमम पावर निकालनी उसको हमेशा क्या करो, अगर वो कंपोजिट है प्राइम है तो सीधा शुरू करो, कंपोजिट है तो उसको फैक्टराइज करो, तो 990 कंपोजिट है तो उसको फैक्टराइज, 4, 9, 5, ठीक है। अभी किससे होगा, 3 से, क्योंकि 2 से तो नहीं होगा, फैक्टराइज आप बहुत अच्छी से आप जानते हो, अगेन ये 3 से होगा, अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। सो 990 के फैक्टर्स क्या बने, 2 × 3² × 5 × 11, भलाई जो भी फैक्टर बने, रेयर के साथ हमें प्रोसेस अप्लाई करनी होती है, और रेयर कौन है, जो बड़ा है यानी 11। तो शुरू करो प्रोसेस, 1090/11:1, 1090/11:2 यानी 121, 11 स्क्वायर। अब पता है 11 क्यूब कितने आने वाला है, 1331, सो 1331 न्यूमरेटर से बड़ा है यानी डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है न्यूमरेटर से, तो स्टॉप द प्रोसेस, बस इन दोनों फ्रैक्शन का क्वेश्चन निकाल लो, खत्म। सो ये कितना आ गया, 11, 9, 9, 99 पॉइंट समथिंग आने वाला है, बट आप सिर्फ 99 काउंट करोगे, ठीक है। उसके बाद 1090/121, सो 1090/121 कितने का क्वेश्चन फिट होता है, 9 का, ये देख लो, 121 × 9 1089, बट यहां पे कितना है, 1090, तो जरा से बच गया, 1090 है और 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1089 आ रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या आने वाला है, 9 पॉइंट समथिंग, 1089, 121 × 9, सो 1 इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन थे 9, सो खत्म। 108 ये मैक्सिमम पावर है 990 की, जो 1090 फैक्टोरियल को पूरी तरह डिवाइड करता है, भले ही प्रोसेस हमने 11 से किया लेकिन जो भी आंसर आया वो पूरा 990 का है, 108 इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 990 विच डिवाइड्स 1090 फैक्टोरियल। तो पहले फैक्टराइज किया, उसमें जो बड़ा है उससे प्रोसेस अप्लाई किया, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन का देखो मैंने एग्जांपल दिया भी है यहां पे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन,
हो गया सबका, लिख लो आराम से, हर चीज समझ के लिखो। चलो अब देखो, कल जैसे लास्ट सेशन में हमने रिमाइंडर थ्योरम के साथ कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन लिए थे, और मैंने आपसे कहा भी था कि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन ये हमेशा चलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी भी हमें कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन देखना है, क्योंकि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ नंबर सिस्टम नहीं, एप्टी के हर एक टॉपिक में आते ही रहेंगे। आपको कंडीशन देगा जिसपे कोई फॉर्मूला रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन को समझो, काम करो, तो वो तो आगे आना ही है, लेकिन नंबर सिस्टम में वो ज्यादा पैमाने पे आते हैं, ठीक है। तो अभी आज हमने नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट देखा, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर का फैक्टोरियल वो चीज देखी, उसके कुछ कंसेप्ट देखे, टेक्निक देखी, ट्रिक देखी, और शीट्स के क्वेश्चन देखे। अब अगेन कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं आपकी शीट के, मतलब ये जो अभी हमने क्वेश्चन लिया है उसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्या है क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10। मतलब देखो यहां पे टू डिजिट नंबर कौन बोला है आपको, और हमारा फेवरेट टू डिजिट नंबर क्या होता है, ए बी, कल हमने लिया था। सो बी क्या है उसका यूनिट प्लेस, ए क्या है उसका टेंस प्लेस। सो वो ए बी वो टू डिजिट नंबर है, और क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10। इन दोनों डिजिट का सम कितना है 10। वाइल वेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब जब हम ए बी को रिवर्स करके बी ए लिख दे, ए बी ये दो डिजिट्स है जिनसे ये ए बी नंबर बना है, तो जब हम इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दे, मतलब ए बी क्या बन जाएगा बी ए, सो वेन वाइल द वेन डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर डिक्रीज बाय 54। तो पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों के डिजिट का एडिशन 10 है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब मैं डिजिट को रिवर्स कर दू, अभी ए बी है तो रिवर्स कर देने के बाद क्या होता है बी ए, तो जब मैं डिजिट को रिवर्स कर दू तो ओरिजिनल नंबर डिक्रीजेस बाय 54, मतलब पहला जो नंबर होगा उसको अगर मैं बी ए कर दू तो दोनों का डिफरेंस 54 आना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल नंबर डिक्रीजेस बाय, यानी रिवर्स करने के बाद जो मुझे मिला है ये क्या मिला है मुझे, ये मिला है मुझे चेंज्ड नंबर, और ए बी क्या है मेरा ओरिजिनल नंबर। सो जब ओरिजिनल नंबर के डिजिट को मैं रिवर्स कर दू यानी बी ए कर दू, देन द नंबर डिक्रीजेस बाय 54, मतलब पहले जो भी नंबर रहा होगा वो 54 से डिक्रीज हो जाता है। इन शॉर्ट पहले का नंबर और अब नया जो नंबर बना है उन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 54, ये आपको कंडीशन दी है। सो डिजिट के एडिशन 10 ये फर्स्ट कंडीशन, और ओरिजिनल नंबर और उसको रिवर्स करने के बाद जो चेंज नंबर बना है उनका डिफरेंस विल बी 54, ये दूसरी कंडीशन आपको दी है। और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड चेंज्ड नंबर, चेंज्ड नंबर मतलब आपको क्या फाइंड करने बोला है बी ए, और मैंने आपसे पहले ही कहा है कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, गो विद द ऑप्शन, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन हम देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है 28। अब 28 में देख लो क्या दोनों की एडिशन 10 है, यस 2+8=10, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, ये 28 अगर ओरिजिनल नंबर है तो इसको रिवर्स करने के बाद 82 हो रहा है, तो क्या नंबर डिक्रीज हो रहा है 54 से? अच्छा, ये 28 आपको क्या दिया है, रिवर्स नंबर दिया है, चेंज नंबर दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड चेंज्ड नंबर, तो जो भी ऑप्शंस आपको दिए होंगे उन सबको आपको क्या लेना है, चेंज नंबर लेना है। तो चेंज नंबर यानी क्या लेना है, बी ए। सो खैर 28 में ये ले लूं तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 82, तो इनका डिफरेंस है वो कितना हो रहा है 54, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। और अगर क्वेश्चन ने दी सिर्फ दो कंडीशन है और दोनों की दोनों कंडीशन को ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो बी सी डी देखने का भी काम नहीं, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स तो होंगे ही नहीं, तो पक्का ए इज द आंसर। ऐसा भी नहीं कि कोई थर्ड कंडीशन और बची है जो हमने ली नहीं है, दो ही कंडीशन है, दोनों ए सेटिस्फाई कर रहा है तो ए पूरा हक है आंसर बनने का। आप चाहे तो बी सी डी चेक कर लो, भलाई फर्स्ट वाली कंडीशन आई थिंक तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, डिजिट्स का एडिशन 10 10 10 हो रहा है, लेकिन ये जो चेंज नंबर है जो आपको ऑप्शन में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड चेंज नंबर, इसका मतलब ऑप्शन में भी सारे चेंज नंबर है, चेंज नंबर यानी बी ए, तो ये जो चेंज नंबर है उसके ओरिजिनल नंबर में से अगर उसको माइनस कर दो
ओरिजिनल नंबर कैसे निकालना है आपको पता है, चेंज नंबर कैसे निकला है डिजिट्स को रिवर्स करके, तो उनको फिर से रिवर्स कर दो आपको ओरिजिनल मिलेगा। तो उस चेंज नंबर को ओरिजिनल नंबर में से माइनस करने के बाद आपको पक्का 54 नहीं मिलेगा ऑप्शन बी सी और डी में, क्योंकि ए ने पूरी तरह आंसर दे दिया है। तो बस ये दो कंडीशन थी कि डिजिट्स का एडिशन 10 होना चाहिए और ओरिजिनल नंबर को रिवर्स कर दो बी ए बी हो गया बी ए, तो दोनों का डिफरेंस 54 क्योंकि ओरिजिनल नंबर डिक्रीजेस बाय 54 डिक्रीजेस यानी माइनस। तो ये देखो ए 28 क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है फाइन चेंज नंबर, तो ए यानी 28 है चेंज नंबर यानी बी ए, तो ओरिजिनल क्या रहेगा 82 और दोनों का डिफरेंस 54 ही आ रहा है फिनिश, और एडिशन तो डिजिट्स की 10 है ही, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, ए इज द आंसर। कर लो फिर भी तसल्ली के लिए, जिसको बी सी डी ट्राई करना है चेक करना है एक बार कर लो, मैच पक्का नहीं होगा। एडिशन भले ही 10 आ रही है लेकिन 19 का रिवर्स 91, सो 91 माइनस 19 54 नहीं होता है, 37 का रिवर्स 73, 73 माइनस 37 54 नहीं होता है, सेम केस फॉर 46, 64 माइनस 46 54 नहीं होता है। सो एग्जाम में भी याद रखो ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर एक ऑप्शन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना है बिंदास टिक करो, आगे देखने का भी काम नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कंडीशन बेस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। व्हेन वी मल्टीप्लाई सर्टन टू डिजिट नंबर बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, देखो अगेन टू डिजिट नंबर की बात हो रही है, ये मेरा टू डिजिट नंबर ए बी, सो क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस सर्टन टू डिजिट नंबर बाय द सम ऑफ द डिजिट, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इस टू डिजिट नंबर को अगर मैं इस डिजिट के सम से मल्टीप्लाई करूं देन 405 इज अचीव, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए 405। और सेकंड कंडीशन देखो क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब ए बी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो बी ए, और इस रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द सेम डिजिट बाय द सम ऑफ द डिजिट, पहले ओरिजिनल नंबर जो मैंने ए बी लिया है उसको सम ऑफ द डिजिट से मल्टीप्लाई किया 405 मिलता है, बाद की कंडीशन है कि इस नंबर को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं और मल्टीप्लाई करूं सेम सम ऑफ द डिजिट से, ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो एक ही बात है, 2 प्लस 5 5 प्लस 2 दोनों 7 ही होता है, इसलिए 2 प्लस 5 लिखो या 5 प्लस 2 लिखो, तो अगेन सम ऑफ डिजिट यानी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करूं तो वी गेट 486, सो फाइंड द नंबर। अगेन ये दो कंडीशन है, दोनों जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर। ए ऑप्शन क्या है 81, सो ये 81 यानी ओरिजिनल नंबर को उसके सम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो सम क्या है 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 इज 9, सो 81 इंटू 9 कितना है 729, बट हमें कितना मिलना चाहिए था 405, मतलब ए ऑप्शन कैंसिल। बी ऑप्शन देखो क्या है 45, सो देखो फर्स्ट कंडीशन 45 के लिए, इस 45 को अगर मैं सम से मल्टीप्लाई करूं तो 4 इंटू 4 और 5 की सम क्या होती है अगेन 9, तो देखो ओरिजिनल नंबर 45 को अगर मैं सम यानी 4 प्लस 5 9 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 405 मिलना चाहिए जो कि मिल रहा है, बट एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, जल्दबाजी नहीं करना है आंसर टिक करने की, दूसरी कंडीशन अभी भी बची है, पहले उसको क्रॉस चेक करो तसल्ली करो, वो अगर सेटिस्फाई होता है तो आंसर दो। सो यस बी ए, मतलब ये ओरिजिनल नंबर को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो इसको रिवर्स ऑर्डर 45 का रिवर्स ऑर्डर 54, और उसको अगर हम सेम सम से मल्टीप्लाई करें सो 5 और 4 का सम अगेन 9, तो वी शुड गेट 486, देखो मिल रहा है यस पूरी तरह मिल रहा है, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, और कोई कंडीशन क्वेश्चन ने दी नहीं है, दोनों कंडीशन को बी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बी इज द आंसर फिनिश, सी डी देखने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह बोनस क्वेश्चंस होते हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है,
देखना नेक्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन देखना। इफ वी एड द, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है ना, ओके पुराना ही क्वेश्चन ले लिया मैंने, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड, फाइंड ऑल टू डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट कंस्टिट्यूटिंग द नंबर इज नॉट लेस देन 7। ठीक है, मतलब अगेन मेरा टू डिजिट नंबर की क्वेश्चन बात कर रहा है, तो मेरा फेवरेट टू डिजिट नंबर है AB, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल टू डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट कंस्टिट्यूटिंग द नंबर इज नॉट लेस देन 7, मतलब इन दोनों की सम ये 7 से छोटी ना हो, इट शुड नॉट बी लेस देन 7। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों की सम ये 7 से छोटी ना हो। मुझे बताओ 7 से छोटी ना हो क्वेश्चन बोल रहा है, इसका मतलब इक्वल टू 7 चलेगा या ग्रेटर देन 7 भी चलेगा? यार मुझे 35 से मार्क्स कम नहीं मिलना चाहिए, पास होना है मुझे। कोई टेस्ट है, कोई एग्जाम है जिसमें पासिंग 35 है, तो आप क्या सोचते हो, यार बस मुझे 35 से कम ना मिले। पासिंग 35 पर है और आप सोचते हो यार मुझे बस 35 से कम ना मिले, इसका मतलब क्या 35 चलेगा, पास हो जाऊंगे, या उससे ज्यादा मिला तो बोनस। उसी तरह फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, एक टू पॉजिटिव नंबर है टू डिजिट का, जो AB मैंने ले लिया है, तो उसके डिजिट्स का सम ये 7 से छोटा ना हो, मतलब इक्वल टू 7 भी चलेगा, ग्रेटर देन 7 भी चलेगा। ठीक है, इसी का मतलब क्या, ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 चलेगा। सेकंड कंडीशन, द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द डिजिट इज नॉट ग्रेटर देन 30। इसी डिजिट्स के स्क्वेयर का सम ये 30 से बड़ा नहीं चाहिए। द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द डिजिट यानी ए का स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर और उसका सम, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30। मतलब अगेन इसी का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि ये लेस देन और इक्वल टू 30 चलेगा। यार मेरी शुगर लेवल, बॉडी की शुगर लेवल 150 के ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है, इसका मतलब 150 यानी बाउंड्री चलेगी या उससे कम भी चलेगा, वही है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एडिशन 30 से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब कम 30 से या इक्वल टू 30 चलेगा। नाउ नेक्स्ट, द नंबर कंस्टिट्यूटिंग ऑफ द सेम डिजिट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, थर्ड कंडीशन भी दी है कि सेम नंबर बट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब हमने कौन सा नंबर लिया है AB, तो इसको रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर कर दिया यानी BA। सो नंबर कंस्टिट्यूटिंग सेम डिजिट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर इज नॉट लॉन्गर देन हाफ द गिवन नंबर। ये नॉट लॉन्गर देन मतलब ये बड़ा नहीं चाहिए, किससे, हाफ ऑफ द गिवन नंबर, गिवन नंबर यानी मैंने कौन सा नंबर लिया है AB, उसके हाफ से ये बड़ा नहीं चाहिए। बहुत सबर, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन है, लैंग्वेज समझो बस आप। क्या है थर्ड कंडीशन कि सेम डिजिट को अगर मैं रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर कर दूं तो जो भी नंबर मुझे मिलेगा ये लॉन्गर नहीं चाहिए, मतलब ये बड़ा नहीं चाहिए, किससे, गिवन नंबर के हाफ से। गिवन नंबर यानी AB ओरिजिनल नंबर, उसके हाफ से, मतलब ये BA इस AB बाय 2 से बड़ा नहीं चाहिए, मतलब छोटा चलेगा या इक्वल भी चलेगा, ये बन गई थर्ड कंडीशन। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, तीनों की तीनों कंडीशन इनडायरेक्ट दी है, आपने उसको डायरेक्टली निकाल ली। पहले तो बोल रहा है कि जो नंबर है टू डिजिट पॉजिटिव नंबर जो मैंने AB लिया, उसके डिजिट का सम 7 से छोटा नहीं चाहिए, मतलब 7 से बड़ा या इक्वल चलेगा। फिर उसी के डिजिट के स्क्वेयर का सम 30 से बड़ा नहीं चाहिए, मतलब 30 से छोटा या इक्वल चलेगा। एंड द थर्ड कंडीशन, व्हेन उसके डिजिट को हम रिवर्स कर दे तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर के हाफ से बड़ा नहीं चाहिए, गिवन नंबर यानी ओरिजिनल नंबर के हाफ से वो नंबर बढ़ानी चाहिए जो हमें रिवर्स करने के बाद मिल रहा है। इसका मतलब वो नंबर जो हमें रिवर्स करने के बाद मिल रहा है वो बढ़ानी चाहिए यानी छोटा या इक्वल चलेगा देन हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर। सो अगेन ये तीन कंडीशन है, गो विद द ऑप्शन, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या है ऑप्शंस, देखो ए है 51 क्वेश्चन का। अब देखो ये इनडायरेक्ट 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 को हमने डायरेक्ट 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 में कर लिया है, तो बस डायरेक्ट चेक करो। डायरेक्ट कंडीशन क्या है, ए प्लस बी ये 7 से बड़ी या इक्वल चाहिए। मतलब देखो मैं क्वेश्चन ने हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करने बोला है, दैट गिवन नंबर फाइंड करने बोला है। सो AB क्या हो गया मेरा 51,
तो पहली कंडीशन क्या है, उनकी एडिशन 7 से छोटी नहीं चाहिए, मतलब बड़ी या इक्वल चाहिए। बट मुझे बताओ 5+1 कितना होता है 6, यानी ये 7 से छोटा है। और क्वेश्चन क्या चाहता था, वो 7 से छोटी नहीं चाहिए, बट यहां तो हमें 7 से छोटी मिल गई। क्या मिला इन दोनों का एडिशन 6, मतलब ए आंसर हो ही नहीं सकता। बी चेक कर लो, बी ऑप्शन क्या है 52 को क्या है 5+2 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 7 से छोटी नहीं चाहिए, मतलब ये क्या बड़ी या इक्वल भी चलेगी। तो देखो ये इक्वल टू 7 आ गया है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई। सिर्फ 7 से छोटी नहीं चाहिए, 35 से कम मार्क नहीं चाहिए, मतलब 35 या उससे ज्यादा चलेगा। उसी तरह 7 से छोटी नहीं, मतलब इक्वल टू या ग्रेटर देन 7 चलेगा। तो देखो मेरा इक्वल टू 7 आ गया, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों के सम स्क्वायर का सम, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर 4, ये 30 से बड़ा नहीं चाहिए, मतलब 30 से छोटा चलेगा। तो देखो 30 से छोटा ही आया है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड, ठीक है ना। दोनों डिजिट का स्क्वायर है ये 25, 5 का और 2 का 4, उनका सम जो है वो 30 से बड़ा नहीं चाहिए, मतलब ही छोटा या इक्वल चलेगा। तो देखो छोटा आ गया। एंड द थर्ड, व्हेन इसी नंबर को मैं रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, तो 52 को रिवर्स ऑर्डर में कर दूं 25, तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर के हाफ से, ओरिजिनल नंबर का हाफ कितना है 52 का हाफ है 26, तो ओरिजिनल नंबर के हाफ से बढ़ा नहीं चाहिए। मतलब वो नंबर को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लू तो जो नंबर यानी बी ए मुझे मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर के हाफ से बड़ा नहीं चाहिए। तो देखो बड़ा आया ही नहीं है, छोटा ही आया है। ये बी ए एबी बाई 2 से बड़ा नहीं चाहिए, मतलब हमने क्या उसको ले लिया था, ये छोटा या इक्वल चलेगा। तो ये छोटा या इक्वल चलेगा, देखो हमारा छोटा ही आया, मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। क्वेश्चन ने अब तक आपने दो दो कंडीशन देखी थी, इस बार 3 कंडीशन दी है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, और तीनों के तीनों को बी ने सेटिस्फाई कर लिया है, तो अब सी और डी देखना भी नहीं है, बी इज द आंसर। क्लियर, लिख लो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। पहले तो लैंग्वेज समझना जरूरी थी, लैंग्वेज भी उसने सब इनडायरेक्टली दी थी, हमने उसको डायरेक्ट कंडीशन में कन्वर्ट किया। ए ने तो पहली कंडीशन को नाराज कर दिया, बट बी ऑप्शन ने तीनों को सेटिस्फाई किया। ठीक है, सो देखो आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन, अगेन सेम कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। अ 5 डिजिट नंबर इज टेकन, इस बार क्वेश्चन 2 डिजिट की नहीं 5 डिजिट की बात कर रहा है, मतलब ए बी सी डी ई ये है वो 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट में क्या क्या आता है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस। ठीक है, सो ये 5 डिजिट नंबर है जो मैंने एज्यूम कर लिया ए बी सी डी ई। तो इस 5 डिजिट नंबर इज टेकन द सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट एक्सक्लूडिंग द नंबर एट यूनिट डिजिट, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट बोल रहा है वो एक्सक्लूडिंग, मतलब वो नंबर छोड़कर जो यूनिट डिजिट पर है। तो यूनिट डिजिट को छोड़कर कितने बच गए, ए बी सी डी, और क्वेश्चन इनके सम की बात कर रहा है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 5 डिजिट। ये 4 डिजिट का सम, मतलब यूनिट प्लेस वाले डिजिट को छोड़कर ये चारों डिजिट का सम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 5 डिजिट। इसका क्या मतलब हुआ, ये चारों डिजिट का सम ये पांचों डिजिट के सम के बराबर कब होगा, जब ई यानी यूनिट प्लेस का डिजिट 0 होगा। क्योंकि अगर ये 0 है तो इन चारों का सम ये पांचों के सम के बराबर आएगा, क्योंकि ये 0 बाद में आप मिला लो या नहीं मिला लो एक ही बात है, या जस्ट कंडीशन से भी खेलो। कंडीशन क्या बोल रही है, मैंने वो नंबर 5 डिजिट ए बी सी डी ई लिया,
तो सम ऑफ फर्स्ट फोर डिजिट एक्सक्लूडिंग यूनिट प्लेस का डिजिट यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फाइव डिजिट यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. तो देखो ए ए बी बी सी सी डी डी कैंसल, आपको क्या बचा यहाँ पे सिर्फ ई और यहाँ पे क्या बचा जीरो. मतलब ई की वैल्यू आपको क्या मिल गई जीरो. ए पता नहीं है, बी पता नहीं है, सी डी भी पता नहीं, लेकिन ई यानी यूनिट प्लेस का डिजिट आपको क्या मिल गया जीरो. यानी वो नंबर अब तक क्या बन गया आपका, ये जो आपने ए बी सी डी ई लिया था उसमें आपको अब ई की एक्चुअल वैल्यू मिल चुकी है जीरो. मतलब अब आपका रिवाइज नंबर ये बन गया ए बी सी डी जीरो. बाय यूजिंग दिस कंडीशन ई आपको मिला जीरो. सो आगे क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिवाइड द नंबर नेसेसरीली. और ऑप्शन उसने क्या दिया है ए टू बी फाइव सी फोर और डी टेन. और क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो जरूरी नहीं कि इस नंबर को डिवाइड करे ही. अब मुझे बताओ अगर टू है तो टू में अगर यूनिट प्लेस जीरो या इवन है तो टू तो उसको डिवाइड करता ही है. दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर आप सारे ऑड 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 ले लो लेकिन अगर यूनिट प्लेस जीरो रख लो तो टू उसको डिवाइड हमेशा करेगा. यूनिट प्लेस अगर जीरो है तो फाइव उसको डिवाइड हमेशा करेगा. वो तो फाइव का डिविजिबिलिटी रूल ही है कि यूनिट प्लेस अगर जीरो या फाइव है तो फाइव उसको डिवाइड करता ही है चाहे जो नंबर हो. यूनिट प्लेस अगर जीरो है तो टेन भी उसको डिवाइड करेगा चाहे जो नंबर ले लो. लेकिन अगर यूनिट प्लेस जीरो है तो क्या उसको फोर हमेशा डिवाइड करेगा ही, कोई जरूरी नहीं है. देखो एक नंबर मैं आपको दे देता हूं 12570. ये भी क्या है फाइव डिजिट नंबर है, मैंने अपने मन से ले लिया. लेकिन क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी हिंट हमें मिल गई है कि उसका यूनिट प्लेस जीरो है वो मैंने बरकरार रखा है. तो मैंने एक फाइव डिजिट नंबर ले लिया है वन यानी 12570. अब इसको ट्राई कर लो टू डिवाइड करता है, फाइव डिवाइड करेगा ही, टेन 100% करेगा. लेकिन चेक कर लो क्या इसको फोर डिवाइड करेगा, कर लो चेक. फोर थ्री जार ट्वेल्व, फोर वन जार फोर, फोर जार एंड फोर टू जार एट. मतलब देखो आपको क्या मिला इस बार, रिमाइंडर मिला. रिमाइंडर मिल रहा है मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है. तो याद रखो अगर यूनिट प्लेस जीरो है तो टू फाइव टेन दुनिया का चाहे जो फिगर ढूंढ ढूंढ कर निकालो, बट यूनिट प्लेस अगर जीरो है तो टू फाइव टेन उसको डिवाइड करेगा ही. लेकिन फोर उसको डिवाइड करेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है जो हमें मिल चुका है इस एग्जाम्पल से भी. सो सी इज द आंसर. तो सबसे पहले तो गिवन कंडीशन से हमें यह पता करना था कि ई जीरो है यानी यूनिट प्लेस जीरो है, और फिर उसका बाद हमें आंसर चुटकी में मिल गया. लिख लो. ऑप्शन का ऑप्शन यही है सब, सिर्फ सीक्वेंस अलग लिख दी मैंने. यहां पे 10 है, यहां 2 है, 4 वहीं पे है और यहां पे 5 है. कोई नहीं, बात वही है, ऑप्शन की सीक्वेंस कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा. बस कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशन से खेलो. क्लियर? सो देखो दोस्तों आज भी हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक ट्रिक, एक टेक्निक सीखी थी नंबर ऑफ जीरोस की, और वही ट्रिक अप्लाई की थी हाईएस्ट किसी की अगर हमें पावर निकालना है तो. ठीक है, अगर उसमें अगर प्राइम नंबर की निकालना है तो भी हमने देखा, कंपोजिट की निकालना है तो भी हमने देखा. ठीक है, तो सब चीजों को एक बार रिवाइज करो, और साथ में एक जो चीज, एक पैरेलल टॉपिक हम साथ में लेकर ही जा रहे हैं इस तरह के कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन. तो हर एक चीजों को रिवाइज करो, जो भी डाउट है बिंदास आओ. ठीक है, और भी कुछ चीजें हमें देखना है, अभी भी नंबर सिस्टम की दुनिया फिनिश नहीं हुई है. और भी कुछ चीजें, मतलब जो कुछ चीज है, कुछ कंसेप्ट है, टेक्निक्स है, वो हमें देखना है. साथ ही में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन देखते ही रहना है. तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. गुड बाय.